दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप भी रोहित शर्मा के आज के शतक को बेस्ट मानते हो तो फिर कमेंट बॉक्स में रोहित बेस्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ दिया। रोहित शर्मा का शतक देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि पहली पारी में जिस तरीके से वो आउट हुए थे उस तरीके से लग रहा था कि ये मैच टीम इंडिया अब हार जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा ने पूरे मैच को पलट दिया और अब टीम इंडिया जीत की दहलीज पर पहुंच गई है। जी हाँ, भारतीय टीम ने 170 रन की लीड ले ली है और उसके अभी भी 7 विकेट बचे हुए हैं। रोहित शर्मा ने 127 रन की शानदार पारी खेली। चेतेश्वर पुजारा के साथ उन्होंने टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन रोहित शर्मा ने इस शतक का अब राज खोल दिया है। रोहित शर्मा ने कहा कि वो काफ़ी लंबे समय से अपने ऊपर मेहनत कर रहे थे और विदेश में इंग्लैंड जैसी धरती और साउथ अफ्रीका जैसी धरती पर शतक जड़ना चाहते थे, लेकिन वो अक्सर चूक जाते थे, लेकिन आज उन्होंने शतक जड़ कर ये साबित कर दिया कि वो इन विकेटों पर भी कारगर बल्लेबाज हैं। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से मेहनत करते आ रहे थे और आज वो उन्हें फल मिला। हालांकि उन्होंने बीच में 80-70 रन की पारी खेली, लेकिन विदेश में वो अब तक एक भी शतक नहीं जड़ा पाए थे, लेकिन आज उन्होंने शतक जड़कर ये बता दिया कि टीम इंडिया के लिए अब वो बेस्ट ओपनर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी रोहित शर्मा की पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कॉमेंट बॉक्स में अगर आप भी रोहित को बेस्ट मानते हैं तो रोहित बेस्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें।